अस्सलाम वालेकुम दोस्त, जैसे कि आपको पता है कि गूगल डेली बेस पर अपडेट दे रहा है और कोई भी सॉफ्टवेयर इस वक्त काम नहीं कर रहा। लेकिन मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो आपको बना के दी थी सॉफ्टवेयर की, गूगल मैप साइटेशन के सॉफ्टवेयर की, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कोई भी जितनी भी अपडेट हो वो काम करता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मैनुअल तरीका बताने वाला हूँ जो कि अपडेट का नाम भी नहीं है, जिस अपडेट तो क्या चाहे जितनी सब अपडेट भी हो वो तो मैनुअल तरीका है, वो कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि आपका काम छोड़ दे। तो ये आज आपको एक मैनुअल तरीका बताने वाला हूँ गूगल मैप साइटेशन का, जो कि क्लाइंट बोर्ड लाइकत खासकर फाइवर अपवर्क पर यह सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो आपने कैसे करना है गूगल मैप साइटेशन, आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। लास्ट कोई भी गूगल मैप्स बनाना है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले लिखना है गूगल मैप्स। जैसे यहाँ से सर्च करोगे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा गूगल मैप्स। अब यहाँ से देखो तो हमारे पास ओपन हो गया है गूगल मैप्स। यहाँ पर आपने कोई भी क्लाइंट का एड्रेस सर्च करना, लेकिन आपने यहाँ से नहीं करना। ठीक है, आपने देखना है यहाँ से, जैसे ये फुल ओपन हो जाए यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये फुल ओपन हो गया है। इसके बाद यहाँ से आपने 3 जो डॉट है वहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आपने बिल्कुल आ जाना है नीचे नीचे, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा सेव्ड का ऑप्शन। यहाँ से देखो सेव्ड है, तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है सेव किया। यहाँ से बिल्कुल इसके नीचे सेव्ड है, यहाँ पर भी क्लिक कर लेते हैं, क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से आपने आ जाना है मैप्स पर, और जैसे मैप्स पर आओगे यहाँ से देखो तो ऑलरेडी मेरे मैप्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ से आपने क्रिएट न्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक न्यू मैप ओपन हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आप देखो तो मेरे ऑलरेडी मैप्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से एक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरा ऑलरेडी मैप यहाँ से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रिएट मैप पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ से ये नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखो तो ये मैप्स मैंने पहले बनाया था, तकरीबन ये बनाया था मैंने अक्टूबर 24 2023 में, 2023 के अक्टूबर में ये मैप बनाया था। तो इस तरह से आपने मैप्स कैसे बनाना है, यहाँ से आपने करना है क्रिएट मैप। ठीक है, जैसे आप क्रिएट मैप करोगे तो यहाँ से आपके पास बहुत सी ड्राइव आ जाएंगे। यहाँ से आपने क्रिएट ए न्यू मैप पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्रिएट ए न्यू मैप पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये मैप आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आपके क्लाइंट्स का एड्रेस होगा, ठीक है, वो आपने सर्च करना है। यहाँ से मैं कोई भी कर लेता हूँ, यहाँ से मायामी फ्लोरिडा मैं कोई भी कर लेता हूँ। यहाँ से देखो तो ये आपका जहाँ भी बिजनेस होगा आपके क्लाइंट का, वहाँ से पिन आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, ऐड टू मैप कर लेना है। यहाँ से क्या करना है, ठीक है, कलर, और यहाँ से आपने होम कर लेना है या कोई भी कर सकते हो। इसके बाद कलर भी कोई चेंज आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आपने कर देना है कट। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आपका पिंसिल। यहाँ से आपने जो मायामी है यहाँ से आपने अपने क्लाइंट का नाम दे देना है। ठीक है, मायामी एयर डॉट LLC। ठीक है, तो यहाँ से मैंने उसका नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ से देखो तो ऑलरेडी आपके शो हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो यहाँ से वेबसाइट और ये आपने क्लाइंट का जो एड्रेस होगा वो भी यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से कर लेता हूँ मैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ से कोई भी आपने PRC लगानी है तो फोटो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से इसको आपने कर लेना है कॉपी। ठीक है, अब क्या करना है, इन डॉट्स आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, न्यू टैब में आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ से मैं न्यू टैब में आ जाता हूँ। यहाँ से आपने लिखा है जनरेट, ठीक है, जनरेट सर्कल। ठीक है, सर्कल, जैसे यहाँ से आप लिखोगे तो आपके पास यहाँ से देखो तो ये सबसे पहली वेबसाइट आएगी सर्कल जनरेट। यहाँ से आपने कर लेना है क्लिक। ठीक है, जैसे ये यहाँ से आपके पास ओपन हो जाए, ठीक है, तो जो आपने यहाँ से ये कॉपी किया है, ठीक है, इनको यहाँ से आपने डाल देना है इस वेबसाइट में। इसको सबसे पहले तो मैं ओपन होने देता हूँ। ठीक है, जैसे ये ओपन होगी, ये तो ये ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो एक आपको सेंटर मिलेगा, एक रेडियस मिलेगा, एक रेडियस यूनिट मिलेगा, दूसरी जियोमेट्री मिलेगी। यहाँ से सेंटर में आपने जो डॉट कॉपी किए थे, ठीक है, इनको आपने कट कर लेना और डॉट दे देने हैं। यहाँ से रेडियस हमने सबसे पहले 5 करना है, फिर 10, फिर 15, इस तरह से। जो मीटर है तो इनको आपने मील या कोई भी कर लेना है, यहाँ से इसको आपने कट कर देना। ठीक है, अब यहाँ से आपने जनरेट कर देना। जैसे आप जनरेट करोगे तो आपके पास एक सर्कल जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक दफ़ा रिलोड लगेगा। ठीक है, और दोबारा से आपको यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा।
तो यहाँ से मैंने जनरेट किया, ठीक है, जैसे इसको रिलोड लगता है तो यहाँ से हमको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे जनरेट करोगे रिलोड लगेगा, यहाँ से आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपने कर लेना है इसको डाउनलोड, ठीक है। तो जैसे ये डाउनलोड होगा तो यहाँ से देखो तो ये आपके पास डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने दोबारा पीछे आ जाना है और यहाँ से ऐड लेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड लेयर पर क्लिक करोगे यहाँ से आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट पे आपने आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से जो भी सर्कल आपने किया था उसको यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है, सिंपल अपलोड। और जहाँ भी आपने डाउनलोड किया है, यहाँ से देखो मेरे पास डाउनलोड है, यहाँ से मैं आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ से सर्कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सर्कल अपलोड हो गया। अब जो होता क्या है, जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर पिन नहीं लगाया जाता, क्योंकि बिजनेस डी रैंक होता है और क्लाइंट भी ये नहीं चाहता, ठीक है। अब क्या करें, आपने पिन लगाना है। यहाँ से आप देखो तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड मार्कर का, पिन का। यहाँ पर आपने कंट्रोल CTRL, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल कहते हैं, यहाँ से आपने उंगली रख लेनी है, यहाँ से क्लिक करना तो ये नीले हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जहाँ पर भी आपने लगाना है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से पिन आपने लगाते जाना है, ठीक है। आप देखो तो ये यहाँ से लगते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने पिन वगैरह लगा लेने हैं। अब यहाँ से आपने डिटेल कैसे देनी है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ पर भी पानी होगा, ठीक है, पानी पर आपने पिन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बहुत ईजी तरीका है, ठीक है, इसको बस सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, एक या दो हवा लगता है, यहाँ से आप सीख जाते हैं, ठीक है। आप देखो जी हमारे पास एक सर्कल आ गया है। अब यहाँ से इंडिविजुअल स्टाइल पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ से मैं आके नेम कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से भी आके मैं इसको नेम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से नेम ये बहरहाल इसको मैं यूनिफॉर्म पर आ जाता हूँ, ठीक है, और यूनिफॉर्म पर जैसे आऊँगा तो ये हमारे ऑल पिन जो एक साथ हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरह से अब आपने दूसरी सर्कल लगानी है तो यहाँ से दोबारा पीछे आ जाना है, यहाँ पर अब आपने 10 कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से दोबारा से जनरेट कर लेना है और दोबारा से रिलोड लगेगा और यहाँ से हमने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब दोबारा पीछे आता हूँ मैं और यहाँ से दोबारा मैं ऐड लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड लेयर करने के बाद यहाँ से इम्पोर्ट कर लेता हूँ और दोबारा से जो दूसरा हमने डाउनलोड किया था यहाँ से आप देखो तो यहाँ से मैं अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि हमारी दूसरे सर्कल भी लग जाएंगे, ठीक है, सेम टू सेम वही तरीका है। यहाँ से भी हमने इसी तरह से पिन लगाते जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पिन लग गया, ठीक है, इसको यहाँ से मैं यूनिफॉर्म कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, डिटेल कैसे देनी है, यहाँ से इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपने डिटेल देनी है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आ जाना है और यहाँ से आपने ओपन डेटा टेबल कर लेना है। सबसे पहले आपने अपना बिजनेस नेम दे देना, यहाँ पर बिजनेस नेम दे देना, ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका कीवर्ड हो गया वो देना, सब कीवर्ड 1 जो भी और यहाँ पर कीवर्ड 2, ठीक है। तो इसी तरह से आपने यहाँ से कीवर्ड देते जाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना बिजनेस नेम देना है, ठीक है, बिजनेस नेम, एड्रेस, ठीक है, कैटेगरी, इसके अलावा फ़ोन नंबर, इसके अलावा वेबसाइट, ये सब चीज़ें यहाँ से आपने दे देनी है। यहाँ से जैसे दोगे यहाँ से कॉपी कर लेनी है और यहाँ पर आपने पेस्ट करते जाना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, तो यहाँ से कॉपी नहीं हो रही, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट आपने करते जाना है। यहाँ से कॉपी नहीं हो रही, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करते हो कि यहाँ से कॉपी नहीं हो रहे तो मैं यहाँ से फाइल में जाके इनको कॉपी करता हूँ। तो इस तरह यहाँ से फाइल में आपने कॉपी करने के बाद ये सब यहाँ से आपने दे देना है, ठीक है। जैसे यहाँ से दे दो तो यहाँ से आपने कट कर लेना है और यहाँ से आपने देखना है तो ये सेफ हो जाएंगे। इसी तरह से आपने ये पिन वगैरह लगाने हैं, ठीक है। जब ये आप लगा लो तो यहाँ से आपने आ जाना है यूनिफॉर्म में और यहाँ से जो यूनिफॉर्म है इसको आपने नेम कर लेना है, तो यहाँ से आपके पॉइंट कलर भी हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे को भी आपने ऐसे करना है, यहाँ से आपके कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से शेयर कर लेना है। शेयर करने से पहले यहाँ से आपने अपना बिजनेस नेम दे देना है ऊपर, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस नेम हो वही आपने ऐड कर लेना है, मियामी एयर डॉट LLC, ठीक है, ये हमारा नाम था तो यहाँ से याद किया। इसके बाद शेयर कर लेना है, शेयर बोर्ड लाजमी है यहाँ से, और यहाँ से शेयर आप ड्राइव, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ से डन कर लेना और यहाँ से प्रीव्यू करोगे तो आपका मैप लाइव हो जाएगा, ठीक है। अब सर्कल आपने खुद लगा लेना, जिन्हें भी आपने लगाने हो
उसी तरह से आप शॉर्टकट वगैरह लगा सकते हो। तो ये थी सिंपल सा गूगल मैप्स बनाने का तरीका, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।